नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज देश विदेश की कुछ बड़ी सुर्खियों पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने की चौथी तो कांग्रेस ने की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी। अतीक अहमद के हथियारों से 8 घंटे की गई पूछताछ। हत्यारा लवलेश तिवारी ने खुद को बताया परशुराम का वंशज। नीट के लिए आए इस साल रिकॉर्ड में 20.87 लाख आवेदन, इनमें 12 लाख फीमेल कैंडिडेट हैं शामिल। राम मंदिर में दर्शन देंगे 5 साल के श्री राम। धनुष बाण लिए होगी श्री राम की मूर्ति। मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगी राज बनाएंगे मूर्ति। उत्तराखंड में वनों से धार्मिक अतिक्रमण हटाने के लिए नोडल अधिकारी किए गए नियुक्त। पहले से चल रही अतिक्रमण पर कार्रवाई अब होगी तेज। भारत की आबादी हुई चीन से ज्यादा। आंकड़ों के हिसाब से दुनिया में हर छठा व्यक्ति है भारतीय। बीजेपी से बोली ममता, दावा साबित करो इस्तीफा दे दूंगी। मुरादाबाद के फारुखाबाद हाईवे पर भूसा लदी डीसीएम से टकराई मैजिक गाड़ी। हादसे में हुई 3 लोगों की मौत। अपनी ही सरकार पर भड़के हरियाणा के अनिल विज। मुख्य सचिव को पत्र भेज, शिकायत निवारण समिति के बैठक पे उठाए सवाल। 3 महीने पहले हुई ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में 2 अधिकारियों के निलंबन पर अभी तक नहीं हुई कार्रवाई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। भाजपा के पूर्व डिप्टी सीएम और 5 बार शिवमोगा सीट से विधायक रह चुके के ईश्वरप्पा के बेटे को नहीं दिया टिकट। देश में कोरोना वायरस ने पसारे पैर। बीते 24 घंटे में मिले 12,591 लोग पॉजिटिव। 29 मरीजों की हुई मौत। बॉलीवुड प्रोड्यूसर विनोद भानुशाली के ऑफिस पर आईटी ने की छापेमारी। प्रोड्यूसर पर टैक्स चोरी करने का लगा है आरोप। सिंगर बादशाह के सनक एल्बम से महाकाल के पुजारी हुए नाराज। गाने में भगवान शिवाजी के साथ अश्लील शब्दों को जोड़ने पर पुजारी बोले करेंगे FIR। लखनऊ के गेंदबाजों ने मारी बाजी। रोमांचक मुकाबले में 10 रनों से राजस्थान को हराया। जीत के लिए सिर्फ 155 रनों को मिला था टारगेट। यमन में एक चैरिटी इवेंट में मची भगदड़। 85 लोगों की हुई मौके पर मौत। सेना ने भीड़ काबू करने के लिए की फायरिंग। घबराए हुए लोगों ने ही एक दूसरे को कुचला। जर्मनी ने यूक्रेन को सौंपा एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इससे जर्मनी, अमेरिका और नाटो के इस कदम से रूस यूक्रेन जंग में होगी और तेजी। ब्रिटेन ने की भारतीय छात्रों की भारी मांग। साल 2022 में ब्रिटेन सरकार ने 28.36 लाख वीजा किए थे जारी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी को 500 करोड़ का लगा झटका। गिरे करीब 10% इंफोसिस कंपनी के शेयर। शेयर गिरने से 24 घंटे में गवाई रकम। इससे पहले ही कंपनी पर संसद में उठे थे सवाल। भारत में नहीं दिखा साल का पहला सूर्य ग्रहण। ऑस्ट्रेलिया में हाइब्रिड ग्रहण देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। अगली बार 2031 में दिखेगा ये सूर्य ग्रहण। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। बात करेंगे हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की। हरियाणा जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसी को लेकर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के SMO TC गढ़वाल से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि कोरोना के मामलों को लेकर हमने अस्पताल में कोविड टेस्टिंग शुरू कर दी है। अभी तक 5 से 6 केस कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं और OPD में आए खांसी जुकाम जैसे मरीजों को होम आइसोलेशन इलाज के लिए घर भेज देते हैं। देखिए, जैसे आपने ठीक बताया कि कोरोना के जो केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्टिंग हमारे अस्पताल में की जा रही है। और पिछले कुछ मामलों में हमने ये भी देखा है कि जो हमने टेस्टिंग की है मरीजों की, उससे 5-6 केसेस हमारे पास पॉजिटिव भी आए हैं, जिसमें उसमें हमारा हेल्थ स्टाफ भी था और उन लोगों को हमने प्रॉपर आइसोलेशन के लिए कहा भी है और कुछ हमारे जो पेशेंट्स हमारे ठीक होकर वापस आ भी गए। तो कितने टेस्टिंग अब तक आपने कर दी हुई है, कितने अब तक केस में आपको पॉजिटिव मिले हैं? देखिए, ऐसे कि हमने पिछले 1 हफ्ते के अंदर कम से कम 100 से ऊपर टेस्टिंग हमने कर दी, इसमें 5-6 केस मिले भी हैं और आज की तारीख में अभी तक हम 25 के टेस्ट कर भी चुके हैं और इसमें कोई केस हमारा पॉजिटिव नहीं है। हरियाणा में बढ़ती गर्मी के बीच सरकार ने कर्मचारियों को झटका दिया है। बता दें कि गर्मी में हीट वेव यानी लू में भी सरकारी कार्यालयों में आने और जाने के समय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से गर्मी से निपटने के लिए 5 विभागों की ड्यूटी लगाई गई है। इन विभागों में बिजली, स्वास्थ्य, श्रम और राजस्व विभाग को शामिल किया गया है। दरअसल सरकार की ओर से यह फैसला भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आने वाली अत्यधिक गर्मी के संबंध में जारी एडवाइजरी के बाद लिया गया है।
पिछले दिनों आयोजित हुई नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में फरीदाबाद बल्लभगढ़ के सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों ने 34 गोल्ड सिल्वर और रजत पदक हासिल किए। बता दें कि उन्हीं विजेता विद्यार्थियों के सम्मान में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री उड़नदस्ता के DSP राजेश चेची और अर्जुन अवार्डी कुश्ती प्लेयर नेहा राठी मौजूद रही। देखिए संवाददाता प्रेम खान की एक खास रिपोर्ट। आज यहाँ पे सैनिक स्कूल है ऊंचा गांव में सेक्टर 63। आज यहाँ बच्चे बॉक्सिंग के बच्चे हैं, वो मेडल जीत के आए हैं। उनको आशीर्वाद देने, उनको मेडल पहनाने के लिए बुलाया गया है। और यहाँ का जितना भी स्टाफ है बहुत अच्छा है। और जो इस स्कूल के जो ओनर हैं उधम सिंह जी हैं, जो कि स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि आज के टाइम में जैसे बीच में कोरोना भी हुआ था और उसके दौरान बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम पे भी फ़र्क पड़ा है, तो स्पोर्ट्स का जो ये बढ़ावा देने में जो आज मैंने देखा है तो वाकई काबिल-ए-तारीफ है। मेरा नाम रेनू आर्या है और आज सैनिक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में काफ़ी उत्साह का माहौल है। एक क्योंकि हमारे पास एक सेकंड नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो फरीदाबाद में अभी हेल्ड हुई थी 14 से 16 अप्रैल को, तो उसमें CRF की टीम जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन रही और उन्हीं के साथ साथ CRF को अच्छी टक्कर देते हुए बिल्कुल सैनिक स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने भी फर्स्ट पोजीशन हासिल की, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और हम बहुत ही खुश हैं अपने बच्चों को लेकर कि इतना अच्छी परफॉर्मेंस हमारे बच्चों ने दी है। यही सैनिक बॉक्सिंग क्लब हमारे सैनिक स्कूल के अंडर में चलता है, जिसके अंतर्गत 12 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 34 मेडल हमें मिले। ये सैनिक स्कूल है हमारा 62 सेक्टर बल्लभगढ़ में और बहुत ही यूनिक और एक अलग किस्म का स्कूल मेरे को आज यहाँ मौका मिला आने का। खासतौर पर जिस तरह का आज का आयोजन था कि जो बॉक्सिंग का एक नेशनल लेवल की टूर्नामेंट में उसमें से बच्चे 20 मेडल लेके आए हैं एक साथ और ट्रॉफी भी ओवरऑल और बेस्ट कोच का भी अवार्ड जो यहाँ पे कोच हैं जो इनके उनको जो PTI साहब ने उनको बेस्ट कोच का अवार्ड मिला है, तो वो फंक्शन था तो बड़ा अच्छा लगा। बच्चों से इंटरेक्ट किया, टीचर से इंटरेक्ट किया, जिस तरह का कॉन्फिडेंस बच्चों में देखने को मिला तो वो लाजवाब है साहब। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सरकार से नाराज हो गए हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार विज की नाराजगी की वजह हिसार में 3 महीने पहले हुई ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में 2 अधिकारियों को निलंबन पर अभी तक कार्रवाई नहीं होना बताई जा रही है। नाराज विज ने यह भी ऐलान किया है कि अब वह जिलों में होने वाली ग्रीवेंस कमेटी की किसी भी मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रीवेंस कमेटी में लिए गए फैसलों पर यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है तो ऐसी मीटिंगों का होने का कोई फायदा नहीं। हरियाणा सरकार किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए अब धीरे धीरे कदम उठा रही है। बता दें कि फसलों की बीज की खरीद हो या फिर आधुनिक मशीनरी की बात, किसानों को सब्सिडी देकर आर्थिक मदद की जा रही है। दरअसल किसानों पर सब्सिडी हासिल करने वाले किसानों को 24 अप्रैल तक कृषि विभाग की वेबसाइट agrihariana.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC की लेटेस्ट PGT भर्ती पर स्टे लगा दिया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी। PGT अभ्यर्थियों की ओर से नियुक्त वकील ने हाई कोर्ट में बताया कि परीक्षा का पैटर्न 4-5 बार बदला जा चुका है और ये साल 2019 से चला आ रहा है। अभ्यर्थियों को बार बार नए पैटर्न से परीक्षा की तैयारी करने पर मजबूर किया जा रहा है। पुनहाना उपमंडल के गांव बिसरू में खुर्शीद वसरिया थानेदार और उनके साहिब जादे समाज सेवी मोहम्मद कैफ ने बीते दिन मंगलवार को सभी धर्म और जाति के गरीब लोगों को राशन और कपड़े बांटे। बता दें कि राशन और कपड़े पाकर गरीबों ने कैफ को खूब दुआएं भी दी। वहीं उनके द्वारा संपन्न लोगों से गरीबों की मदद के लिए आगे आने की अपील भी की। दरअसल खुर्शीद थानेदार और मोहम्मद कैफ ने बताया कि मुस्लिम धर्म में रमजान का महीना बड़ा ही पाक महीना माना जाता है। इस महीने में अल्लाह की इबादत करने के साथ ही गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। इसी पाक महीने में जकात देने का भी बड़ा ही महत्व है। इसी उद्देश्य वो लेकर गांव में करीब
500 लोगों को राशन के साथ ही कपड़े बांटे गए। देखिए देश रोजाना से हमारे संवाददाता मनीष आहूजा की एक खास रिपोर्ट। आज आपने यहाँ राशन गरीब लोगों को दिया है, कपड़े दिए हैं, क्या कहना चाहोगे आप? जी रमजान का महीना चल रहा है, बहुत ही पाक महीना चल रहा है और ईद भी आने वाली है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके घर पर कुछ बन नहीं पाता है, फिर कपड़े उपड़े से रह जाते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए राशन का इंतज़ाम क्या है और कपड़ों का इंतज़ाम क्या है, क्या कुछ उन लोगों की ईद अच्छी मन सके। क्या कुछ कहना चाहोगे आप और जो संपन्न लोग हैं वो आगे आएँ गरीब लोगों की मदद के लिए? हाँ ये है कि अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें और जैसा भी आपसे बनता है आप करें, और जिससे कि आपके अड़ोस पड़ोसियों की गरीबों की ईद अच्छे से मन सके। तो ये थी अभी तक की देश विदेश की सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ बड़ी खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।